शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, किडनी की बीमारी में बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती है। ऐसे में नॉनवेज खाने वालों को कई दिक्कत महसूस होने लगती है, क्योंकि किडनी की ज्यादातर डाइट प्लांट बेस्ड या फिर फ्रूट बेस्ड होती है। किडनी के ज्यादातर पेशेंटों को सब्जियां या फल खाने की ही हिदायत दी जाती है। ऐसे में कई सारे ऐसे पेशेंट जो नॉन वेजिटेरियन खाने के शौकीन होते हैं, उनकी डाइट में और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। वो नॉन वेज के बहुत सारे आइटम नहीं खा पाते। ऐसे में उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या वो मीट खा सकते हैं। दोस्तों, मीट जानवरों से आने वाला मांस होता है और ज्यादातर लोग इसे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी समझते हैं। पर क्या किडनी की बीमारी के दौरान इसे खाया जा सकता है, या फिर आपको किडनी की बीमारी के दौरान मीट को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, चलिए आज यही जानते हैं। तो पहले तो बात करते हैं मीट के बारे में। मीट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आपके शरीर में छोटे छोटे न्यूट्रिशंस पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको क्रॉनिक किडनी की बीमारियां हो गई और आप कम मात्रा में मीट खा रहे हैं, और वो भी खासकर रेड मीट, तो ये आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशन भरा हो सकता है। पर रेड मीट खाने के और भी बहुत ज्यादा बड़े नुकसान होते हैं। रेड मीट में यूरेमिक टॉक्सिन होता है, जो आपकी किडनी की बीमारियों के साथ साथ आपकी दिल की बीमारियों को भी बढ़ा देता है। अगर आपका दिल सेफ नहीं रहेगा, आपका दिल हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपकी किडनी की बीमारियां और ज्यादा तेज होती जाएंगी। और अगर आपको किडनी की बीमारियां नहीं भी हो रखी, तो आपको किडनी की बीमारियां होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां किडनी की बीमारियां होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। और रेड मीट में मौजूद कई तरीके के केमिकल्स आपके हार्ट को खराब कर देते हैं। माना जाता है कि जो लोग रेगुलर तौर पर मीट खाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए, थोड़ी मात्रा में रेड मीट खाना और बहुत ही कभी कभार खाना अगर आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आप करते हैं, तो ये शायद आपके लिए हेल्दी हो सकता है। पर अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं, आपको इस समझ में ही नहीं आएगा कि कब आपकी सिंपल सी किडनी की बीमारी एंड स्टेज रीनल डिजीज हो चुकी है, यानी कि आपकी किडनियां हो चुकी हैं फेल। इसी वजह से ऐसे पेशेंट जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुका है, उन्हें मीट से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। चाहे कोई भी कितना भी आपको बताए, रेड मीट आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। देखिए, अगर आपकी किडनी खराब नहीं हो रखी, तो रेड मीट की काफी सारी चीजें आपके लिए हेल्दी हो सकती हैं। जैसे इनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे कि आयरन और जिंक, जो आपके शरीर का काफी अच्छा फंक्शन करते हैं। पर अगर आप ज्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन खाएंगे, तो आपके शरीर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ती जाएगी। सैचुरेटेड फैट होने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और आपका मोटापा भी आपके करीब आता रहता है। मोटापा होने से आपकी किडनियों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि आपकी किडनियों को और ज्यादा खून छानने की जरूरत पड़ती है। यह एक्स्ट्रा प्रेशर धीरे धीरे किडनियों को फेल करता रहता है। रेड मीट में मौजूद ज्यादा मात्रा में आयरन, नमक और तरह तरह के एसिड आपकी तबीयत आराम से खराब कर सकते हैं। रेड मीट में मौजूद हाई प्रोटीन आपकी तबीयत के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। किडनी के ज्यादातर पेशेंटों में प्रोटीन इंटेक पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि वो पूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं खा सकते। ऐसा इसलिए होता है कि किडनी खराब होने के बाद हमारी किडनियां हमारे शरीर से प्रोटीन को नहीं छान पाती, और ये प्रोटीन हमारे शरीर में इकट्ठा होकर तरह तरह की दिक्कतें और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने लगता है। इसलिए जरूरी है आप किसी भी तरीके के प्रोटीन से दूर रहें। ऊपर से मीट में पाया जाने वाला प्रोटीन और भी ज्यादा खतरनाक होता है। किडनी की बीमारी के दौरान आपका पाचन तंत्र भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता। आप जो खा रहे होते हैं, वो ढंग से पच नहीं पाता, और आप कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको पेट दर्द, उल्टी और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें भी आने लगती हैं। ऐसे में अगर आप रेड मीट खाएंगे, तो ये आपके शरीर के द्वारा आराम से प्रोसेस नहीं किया जा पाएगा। आपकी पेट दर्द की दिक्कत और आपकी पाचन से रिलेटेड और भी कई दिक्कतें और गुना बढ़ जाएंगी। किडनी की बीमारी में कोशिश कीजिए कि आप मीट से बिल्कुल दूर रहें। आप ऐसी चीजें खाएं जो वेजिटेरियन हो और आराम से पचाई जा सके। हल्की फुल्की चीजें, और वो भी ऐसी चीजें जो आपकी डाइट का हिस्सा हो, वही आपको खानी है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको किडनी की बीमारियों के दौरान मीट से दूर रहना है। पर आखिर कब तक आप अपने खान पान पर इस तरह की रोक लगा के रखेंगे? आपको जरूरत यह है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं
और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।